हिंदुस्तान की तरफ से चावल की बरामदात पर पाबंदी ने कनाडा में हलचल मचा दी। कनाडा में चावल की कीमतों में इजाफे का खदशा, कनाडा में चावल की किल्लत का खदशा। कैनेडियन सूबे नोवा स्कॉटिया में शदीद बारिशें, दो बच्चों समेत चार अफराद लापता, 12 घंटे से भी कम वक्त में 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। चीन की कनाडा के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इंकशाफ, कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कनाडा में मुकीम चीनी बाशिंदों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा है। माहिरीन का कहना है कि कनाडा को मजीद इकदामात करना होंगे। अमरीका का भारत में खवातीन को बरहना घुमाने पर इजहार तशवीश, अमरीकी हुक्काम का कहना है कि भारत में खवातीन को बरहना घुमाने का वाकया भयानक है। मणिपुर वाक्य के पुरमन और जामे हल की हिमायत करते हैं। रूस का 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा, अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन ने 50% इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। यूक्रेन को अपने इलाके छुड़वाने के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. हिंदुस्तान की तरफ से चावल की बरामदात पर पाबंदी ने कनाडा में हलचल मचा दी है। कनाडा चावल की दरामद पर इन्हिसार करता है क्योंकि अनाज के मुकामी तौर पर काश्त नहीं की जाती है। हिंदुस्तान कनाडा के लिए चावल दरामद करने वाले तीसरे सबसे बड़े मुल्क के तौर पर खड़ा है। चावल दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए एक अहम ग़िज़ा है, लेकिन भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल की मसनूआत की बरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है। सार्फीन का कहना है कि अगर बरामदात पर पाबंदी है तो यकीनी तौर पर कीमत बढ़ जाएगी। कनाडा की मौजूदा सूरत हाल में जहां पहले ही बहुत सी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी तशवीश का बाइस होगा क्योंकि जनूबी एशियाई आबादी के लिए ये एक अहम मसनूआत है जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है। स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ, हमारे पास 3 से 4 हफ्ते काफ़ी होते थे। स्टॉक सिर्फ चंद दिनों में फरोख्त हो गया था। चावल की दरामद के मुहैदे को हतमी शक्ल देने की हमारी कोशिशें जो चल रही थी, पाबंदी से मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। हिंदुस्तान की वजारत बराए उमूर सार्फीन का कहना है कि ये पाबंदी हिंदुस्तानी मार्केट में गैर बासमती सफ़ेद चावल की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने और मकामी मार्केट में कीमतों में इजाफे को कम करने के लिए है। ये वाज़ह नहीं है कि ये पाबंदी कब तक नाफिज़ुल अमल रहेगी, लेकिन माहरीन ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कनाडा के सूबे नोवा स्कॉटिया में शदीद बारिशें और सैलाब के नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद लापता हो गए। सूबे में शदीद सैलाब ने सड़कें बहा दी हैं, घरों को नुकसान पहुँचाया है और बहुत से नोवा स्कॉटियंस फंसे हुए हैं क्योंकि तारीखी बारिश सूबे में तबाही मचा रही है। तबाही के दरमियान प्रीमियर टिम ह्यूस्टन ने सूबे को दोबारा तामीर करने का वादा किया, जो अभी हाल ही में जंगल की आग के मौसम की शदीद शुरुआत का सामना करने के बाद पानी के अंदर रह गया है। उनका कहना था कि हम दोबारा तामीर करेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है कि नोवा स्कॉटियंस लचकदार और मजबूत हैं। हमारा बहुत तजुर्बा किया गया है, लेकिन हम दोबारा तामीर करेंगे। जुमे की शाम से सूबे में ना रुकने वाली शदीद बारिश हुई, जो 12 घंटे से भी कम वक्त में 200 मिलीमीटर तक पहुंच गई। रात भर की बारिश ने सड़कों और बिजली की लाइनों को मुतासिर किया, जिससे तकरीबन
40,000 रिहायशी बिजली से महरूम हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम और बारिश की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। शुमाल मशरकी कैनेडा में सैलाब की वजह से सूरत हाल खराब है, तो दूसरी जानब इसको जंगलात में आतिशज़दगी का भी सामना है, जिसके धुएं के बादल जुड़ों में अमरीका में भी पहुँचे हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस की एक नई जारी करदा दस्तावेज से पता चलता है कि इंटेलिजेंस अहलकार 35 साल से ज्यादा अरसे से कैनेडा के मामलों में चीन की मदाखलत की कोशिशों का सुराग लगा रहे हैं। फरवरी 1986 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि बीजिंग कैनेडा में मुकीम चीनी बाशिंदों पर असरअंदाज होने और उनका इस्तेहसाल करने के लिए खुले आम सियासी हरबे और खुफिया कार्रवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है। चीन उन अहदाफ को पूरा करने के लिए नई और मुमकिन तौर पर ज्यादा ताकतवर तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। चीन की मुबैना मदाखलत के बारे में मीडिया को लीक्स की एक सीरीज के बाद कैनेडा में गैर मुल्की मदाखलत की तहकीकात के लिए वफाकी लिबरल हुकूमत पर दबाव के दरमियान भारी रद्द अमल की रिपोर्ट का इजरा हुआ है। रिपोर्ट, जिसे वफाकी इंटेलिजेंस एडवाइजरी कमेटी ने तैयार किया है, दस्तावेज का ज्यादातर हिस्सा इस बुनियाद पर खुफिया रहता है कि इंकशाफ बैन अलाक्वामी उमूर के इनेकाद, कैनेडा के दिफा या तखरीबी या दुश्मनाना सरगर्मियों का पता लगाना जैसी सरगर्मियों को। माहरीन का कहना है कि 1986 की कमेटी की रिपोर्ट जाहिर करती है कि यह मसला कई दहाइयों से कैनेडियन इंटेलिजेंस के रिडार पर है। 1986 की रिपोर्ट में मशवरा दिया गया था कि आवामी जमहूरिया चीन ने बैरून मुल्क बहुत सी बड़ी चीनी बिरादियों